रोहित और सोनाक्षी की जिंदगी बदलने लगती है। यहाँ रोहित ने सोनाक्षी की सारी परेशानी हल कर दी थी। महात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि इससे पहले भी बड़ा नाटक हो चुका था। जबकि अब गणपति बप्पा के दर्शन का समय है, रोहित और सोनाक्षी खुश हैं क्योंकि बप्पा ने उनकी सभी परेशानियों को दूर कर दिया था। इस प्रकार सोनाक्षी मराठी मुर्गी के रूप में तैयार हो जाती है और गणपति बप्पा के दर्शन के लिए तैयार हो जाती है। रोहित सोनाक्षी को ऐसे अवतार में देखकर चकित रह जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। सोनाक्षी और रोहित एक साथ खुश हो रहे हैं, लेकिन सुमन वास्तव में इस पर खुश नहीं है। सुमन हमेशा रोहित और सिप्पी परिवार के खिलाफ होती है और सोनाक्षी और रोहित के बीच निकटता से खुश नहीं होती है। रोहित और सोनाक्षी के जीवन में नया मोड़ आने वाला है क्योंकि यहाँ सोनाक्षी के लिए सिप्पी परिवार का बड़ा बलिदान आता है। हर कोई हैरान है और सोनाक्षी को धन्यवाद देता है और यहाँ रोहित को अब महात्रे की उपस्थिति का सुराग मिला। रोहित ने सोनाक्षी को इस मुसीबत से निकालने के लिए इस मौके को नहीं छोड़ने का फैसला किया। रोहित महात्रे के ठिकाने पर जाता है और यहाँ वह सोनाक्षी को इसके बारे में सूचित करता है और इस सब के बीच रोहित का अपहरण हो जाता है। महात्रे पुरुषों ने रोहित का अपहरण कर लिया और अब रोहित को बचाने के लिए सोनाक्षी एक्शन में आ जाएगी। सोनाक्षी अपना प्यार भरा अवतार दिखाएगी और रोहित को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। महात्रे की गिरफ्त में आते ही रोहित और सोनाक्षी की महात्रे को लेकर परेशानी खत्म हो जाती है। वीना सभी खुश हैं और चाहती हैं कि सोनाक्षी और रोहित जल्द से जल्द एक रिश्ते में फंस जाएं। जबकि यहाँ रोहित नकली प्रेम नाटक सोनाक्षी के लिए भी वास्तविक हो रहा है। रोहित और सोनाक्षी दोनों इस रिश्ते का आनंद ले रहे हैं। रोहित और सोनाक्षी इस बात से अनजान हैं कि उनके लिए एक बड़ा धमाका इंतजार कर रहा है और ये धमाका कोई और नहीं है। राइमा पुनर्जीवित होती है और कोमा से बाहर आ जाती है और अब वह रोहित को चाहती है और जल्द ही उसके जीवन में आएगी और उस पर अपना अधिकार जताएगी। रोहित और सोनाक्षी की जिंदगी अच्छी चल रही है और सब कुछ योजना के अनुसार काम कर रहा है। सोनाक्षी निर्दोष साबित हुई है और सभी लोग खुश हैं। रोहित ने सोनाक्षी के लिए नकली प्यार को असली बना दिया। रोहित और सोनाक्षी प्यार में आगे बढ़ रहे हैं और लंबे समय से नहीं बल्कि इसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ रोहित दीप के बारे में बात करता है। राइमा वापस लौटता है और धमाका बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सोनाक्षी और राइमा को चुनने के लिए रोहित के सामने अब एक बड़ी मुसीबत है। रोहित फंस गया क्योंकि सोनाक्षी उसका वर्तमान है और राइमा उसका अतीत है। पुलिस से सोनाक्षी को क्लीन चिट मिल जाती है और रोहित खुश हो जाता है। रोहित और सोनाक्षी ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है। सोनाक्षी और रोहित सच्चा प्यार परेशानी की स्थिति में देखा जाता है और सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि अब स्थिति बदल जाएगी। यहाँ राइमा निकोमा स्थिति से उबर जाएगी और रोहित के बारे में पूछेगी। रोमा रोहित के जीवन में वापस आ जाएगी। राइमा उस पुराने प्यार को खोज रही है लेकिन वह उसे पाने में नाकाम है। राइमा देख सकता है कि रोहित जीवन में आगे बढ़ गया था और सोनाक्षी उसके जीवन में है जिसे वह अब और नहीं ले सकता था। इस प्रकार रोइमा सोनाक्षी से मिलती है और उसे रोहित के जीवन से बाहर रहने के लिए चेतावनी देती है क्योंकि रोहित उसका है। क्या सोनाक्षी इसे स्वीकार करेगी?